आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोला, देखिए द बल्क मॉडुलस ऑफ सिंपल ऑब्जेक्ट इज बी। तो बच्चों इतना बोला है, पहले आप लिख लो बल्क मॉडुलस होता है माइनस पीवी अपॉन डेल्टा वी। ठीक है सर, ये होता है, ये तो पढ़ा ही आपने, यंग के बाद बल्क ही आता है। इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर, ठीक है हमने प्रेशर भी लिख लिया। द फ्रैक्शनल डिक्रीजेज इन द रेडियस, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मान लो कोई बॉल है स्फेरिकल, हम उस पर एक कॉन्स्टेंट प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका वॉल्यूम रेडियस छोटा होगा। और आपसे बस कुछ नहीं, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, इसका मतलब फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस का मतलब डेल्टा आर अपॉन आर आपसे पूछ रहा है, यही फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे करें, इधर फोकस करें बच्चों, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr³, इससे कोई लेना देना नहीं होता, वॉल्यूम चेंज हो रहा है रेडियस के बिकॉज पे, ठीक है। अब अगर हम इसको अगर डेल्टा वी अपॉन वी लिखते हैं तो एरर में आपने पढ़ा होगा पावर आगे आ जाती है, ठीक ये हो गया, बोलो सही है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, बोलो इसमें कोई सर दिक्कत नहीं है हमें, ठीक। अब हम अगर देखें डेल्टा वी अपॉन वी, या इसको पलट दो वी अपॉन डेल्टा वी कर दो, तो हम क्या लिख सकते हैं आर अपॉन थ्री डेल्टा आर लिख सकते हैं, कोई सर दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें वी अपॉन डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर दे तो हमारा आंसर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब चलो इधर करते हैं, तो बल्क मॉडुलस क्या है माइनस पी, अब देखो v अपॉन डेल्टा v की जगह हम लोग रख सकते हैं r अपॉन 3 डेल्टा r, और हमसे क्या पूछ रहा है डेल्टा r अपॉन r पूछ रहा है, वो रखा हुआ है। अब एक काम करो 3 को इधर भेजो, तो 3b हुआ, ठीक p को इधर भेजो तो ये p हुआ, तो माइनस r अपॉन डेल्टा r होगा। आपसे पूछ क्या रहा है डेल्टा r अपॉन r पूछ रहा है, तो डेल्टा r अपॉन r कर दीजिए, माइनस आगे लगा माइनस डिक्रीज बता रहा है, तो p अपॉन कितना हो गया 3b। है कोई ऑप्शन पी अपॉन थ्री बी, सी आंसर क्या है, आगे आगे ना सर, ये तो कुछ नहीं है, हलवा है, हाँ हलवा ही है, क्या है हलवा ही है।